भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा, ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा। नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता की राह में कहीं नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं तो वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अभियान ये रंग लाता दिखाई दे रहा है। दिखाएंगे आपको ये दो तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात के युवाओं ने चलाया महास्वच्छता अभियान, बनाया स्वच्छता का विश्व रिकॉर्ड। नक्सल प्रभावित इलाकों को मिल रही है खुले में शौच से मुक्ति। और अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। एक महास्वच्छता अभियान, जी हां, आपने ठीक सुना। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पिछले दिनों सूरत निवासियों ने झाड़ू हाथों में थामकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भी सूरत वासियों के इस कीर्तिमान की सराहना की है। गुजरात, सूरत शहर, जगह विजयनगर स्टेडियम, 2104 लोग, समय 1 मिनट। लोगों ने झाड़ू थामी तो नया कीर्तिमान स्थापित हो गया। उधना इलाके में हुआ ये महास्वच्छता अभियान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। मोदी साहब हमेशा जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से एक मैसेज आगे बढ़ा रहे स्वच्छ भारत, तो उस हिसाब से अलग अलग संस्था इसके आगे लग गई है काम करने में, तो उसके वजह से यूथ फॉर गुजरात भी इसमें आगे काम कर रहा है। यूथ फॉर गुजरात नाम की संस्था ने इस महास्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने स्वच्छता के लिए साल में 100 घंटे सफाई करने का संकल्प भी लिया। महास्वच्छता अभियान को लेकर लोग भी खासा उत्साहित नजर आए। इस तरह का रिकॉर्ड पहले मेक्सिको में बना था। वर्ष 2011 में 1000 लोगों ने एक साथ स्वच्छता का रिकॉर्ड दर्ज कराया था। अब यह रिकॉर्ड सूरत के नाम है। सूरत के नागरिकों ने इकट्ठा होकर 2104 पार्टिसिपेंट्स ने इकट्ठा होकर इस विश्व विक्रम को तोड़ने को और नया विश्व विक्रम कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान में हर जगह लोग अपने अपने स्तर पर नया प्रयास कर रहे हैं। सूरत के लोगों का ये प्रयास समाज के सामने एक नजीर है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भी स्वच्छता अभियान का असर देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित सियानार गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। देखिए हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा की ये रिपोर्ट। ये है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का गांव सियानार। ये आदिवासी गांव स्वच्छता का उदाहरण पेश करता है। यूं तो आदिवासी संस्कृति का अहम हिस्सा है स्वच्छता। गांव में घर बाहर में साफ स्वच्छता स्पष्ट झलकती है, लेकिन ये गांव उन गांवों में शुमार है जो खुले में शौच से मुक्त गांव है। यहां घर घर में शौचालय बनाए जा चुके हैं। शौचालय लेकिन सबने बना लिया। एक किस्त मिला है, दूसरा किस्त आने से गांव वाले को दिया जाएगा पैसा। नक्सलवाद की समस्या के चलते छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र विकास में जरूर पिछड़ा रहा है, लेकिन अब विकास के साथ साथ ये क्षेत्र स्वच्छता को भी तेजी से अपना रहा है। दंतेवाड़ा जिले में ही कुल 223 गांव हैं, जिनमें से 73 गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। और आज के स्वच्छता मंत्र में देखिए कि कैसे डालें बच्चों में स्वच्छता की आदत। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DDNewsLive के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा।